नमस्कार वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर्राव का नमस्कार। जब भी आप कोई नई वास्तु खरीदते हो तो ये नई वास्तु खरीदते समय भले वो घर हो ऑफिस हो प्लॉट हो उसका चयन इस विषय में मैं बाद में आपसे ज़्यादा विस्तृत में बात करना चाहूँगा, लेकिन कोई भी नई वास्तु की खरीदारी में या आपकी आज की अपनी वास्तु में जहाँ पे आप रहते हो या व्यवसाय कर रहे हो, जब आपने ली थी तब आपको शायद वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब आपको समय के साथ अनेक सारी समस्याएं आने लगी, जैसे कि आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या आने से पहले ही उसके जाने के रास्ते तय हो जाते हैं, या फिर आरोग्य की यानी हेल्थ की कंप्लेंट्स काफ़ी बार बार आती है, बच्चों की शिक्षा में अच्छी मेहनत के बावजूद भी अच्छी सफलता न मिलना, या फिर बिना वजह घर में या ऑफिस में नोकझोंक होते रहना, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो पैसा या पूंजी लगाना जाते हो वहाँ पे आप अटक जाते हो फंसते हो, या कोई भी काम में आपको डिले होना, ये सारी बातें, इन सभी बातों का वास्तुशास्त्र से संबंध है। आपके बच्चों की पढ़ाई में आप भले बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में आप उनको डालो, बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, लेकिन जब अगर आपके घर का ईशान कोना बिगड़ा हो तो उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस में परेशानी आनी ही है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर बिगड़ा है, वास्तु दोष है, तो आपका पैसा अटकना, आर्थिक नुकसान होना, अस्थिरता आपके लाइफ में आना, ये होना ही है। अगर आपका किचन अग्निकोण में नहीं है, यानी आपके घर में अगर अग्नि सही दिशा में नहीं बसा हो, तो हर एक कामकाज में कुछ ना कुछ बाधाएं आना, डिले या लेट होना, बिना किसी वजह या फजूल खर्चे का प्रमाण बढ़ना, या अगर आपके घर का वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर बिगड़ा है तो बिना किसी कारण घर में नोकझोंक होना, डिसहार्मनी, या फिर जेलसी यानी मत्सरघात की परेशानी, या इवन आपके घर का अगर ब्रह्मस्थान यानी सेंटर पोर्शन अगर बिगड़ा है, यानी वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्ण रूप से वो वजन विरहित ना हो, तो हमेशा आपका प्लानिंग और आपका कामकाज इसमें बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ना कुछ तकलीफ आना ये तय है। तो उससे बेहतर है कि जो परेशानी की जड़ है, जिसका संबंध वास्तुशास्त्र के साथ में है, उस परेशानी को बिना तोड़फोड़ के उपाय योजनाओं के माध्यम से दूर करो, तो निसर्ग की या कुदरत की इस शक्ति का आविष्कार आपको सही मायने में प्राप्त हो सकता है, और इसके जरिए आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर पा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र करना या वास्तुशास्त्र के ऊपर जो भी कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है उसे आप खर्चा यानी एक्सपेंडिचर मत कहिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कई नुकसानों से आपको बचाएगी और कई फायदे आपको ले दे सकती है या मिला के दे सकती है। सो इसलिए वास्तुशास्त्र इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एक्सपेंडिचर, यही मुझे आपसे कहना था। धन्यवाद।